चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अब गणेश चतुर्थी की करेंगे क्योंकि आज महापर्व है गणेश चतुर्थी का और ऐसे में देश भर में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही, देश भर में उत्साह है। बात अगर मुंबई की करें तो एक अलग ही तस्वीर मुंबई से निकलकर सामने आती है। मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी हैं। देखिए आज गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है और ऐसे में हर तरफ गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। लोग आज बप्पा को अपने घरों में लाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। गणेश चतुर्थी का महापर्व जो कि देश भर में मनाया जा रहा है, गणेश चतुर्थी पर मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आज लोग बप्पा को अपने घरों में लाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और कहा जाता है कि विघ्न हरता है भगवान श्री गणेश, जिनकी पूजा अर्चना करने से जीवन के हर विघ्न दूर हो जाते हैं, हर कठिन परिस्थितियां जो अगर किसी के जीवन में बन रही हैं वो दूर हो जाती हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश हैं। अगर आप कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, भगवान श्री गणेश की आप पूजा करते हैं ताकि जो काम हम करने जा रहे हैं वो किसी भी विघ्न के बिना विघ्न के पूरा हो। और ऐसे में गणेश चतुर्थी आज मनाई जा रही है और कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी पर खासतौर पर बप्पा की अगर आप पूजा करते हैं तो बप्पा प्रसन्न होते हैं, घर घर पधारने वाले हैं आज भगवान श्री गणेश। और ऐसे में हिंदू देवी देवताओं में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले, सर्वप्रथम पूजे जाने वाले देवता हैं भगवान श्री गणेश। और ऐसे में गणेश पुराण के अनुसार भगवान गणपति का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि चित्रा नक्षत्र और मध्यान्ह काल में हुआ था। सनातन धर्म में भगवान श्री गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। हिंदू देवी देवताओं में सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता हैं भगवान गणेश। के कई नाम हैं, कोई गणपति कहता है, कोई लंबोदर कहता है, कोई विनायक कहता है, कोई गजानन सुखकर्ता विघ्नहर्ता भी भगवान श्री गणेश को कहा जाता है। तो देखिए सभी दिशाओं से आने वाली हर बाधा को दूर करते हैं और अष्ट विनायक और बप्पा की मूर्तियां भी तैयार हो चुकी है। लगातार आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों से किस तरह से उत्साह है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ SH रावत पंडित जी जुड़ गए हैं। आप बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर पंडित जी आपका। और देखिए आज गणेश चतुर्थी का ये महापर्व है, सबसे पहले बताइए कि शुभ मुहूर्त और आज बप्पा की पूजा अर्चना की जा रही, देश भर में उत्साह का माहौल है। बिल्कुल, मैं सभी दर्शकों को, भारत 24 के दर्शकों को सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं आपको एक एक चीज बड़े विधि विधान के साथ बताने वाला हूं। सबसे पहले तो अभी इस समय जो हम आपको लाइव कर रहे हैं, इस समय पर भी एक मुहूर्त है गणपति बाबा को लाने का। ये सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ था, 9 बजे तक ये चलेगा और 7:38 के बाद लेके आ सकते हैं क्योंकि 7:38 तक भद्रा है और भद्राओं में नहीं लाना चाहिए। और उसके बाद में लाने के इसके कुछ विधान हैं गणपत बाबा के, और उसमें सबसे पहले आपको स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। इस मुहूर्त के बाद में फिर हमें 12 बजे के बाद एक मुहूर्त मिलता है, अभिजीत मुहूर्त भी है, 12:45 से लेकर के 12:15 तक। इस समय पर आप गणेश जी की प्रतिमा को घर में ला सकते हैं और फिर ये शाम को 5 बजे तक चलेगा, यानी 4:30 से 5 बजे तक। इसमें हमें चरकी चौगड़िया मिलेगी। चरकी चौगड़िया में अगर आप लेके आते हैं भगवान गणेश को तो उनको आप विसर्जन करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और लाभ की चौगड़िया मिलेगी फिर, यानी 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक चरकी चौगड़िया है और 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक लाभ की चौगड़िया है। अब आप बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, आपको लगता है कि भगवान गणेश आए हमारे घर में धन दान दें, सोना ही सोना चांदी ही चांदी हमारे पास आता रहे, तो लाभ की चौगड़िया में लेके आ सकते हैं। लेकिन पंडित जी,
थोड़ा सा जो भक्त हैं थोड़ा सा संशय उनके मन में था 6 तारीख और 7 तारीख को लेकर। अमूमन आजकल देखा जाता है जो भी तीज त्योहार आते हैं 2 तारीखों में बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में गणेश चतुर्थी को लेकर भी थोड़ा संशय लोगों के मन में था कि 6 तारीख को भी, क्योंकि गणेश चतुर्थी लग रही है और 7 तारीख तक ये पहुंच रही है। इसके अंदर 2 कंसेप्ट हमारे यहाँ पर होते हैं। एक कंसेप्ट होता है जो वैष्णव लोग होते हैं और एक शाक्त लोग होते हैं। तो कुछ लोग उदय तिथि को मानते हैं और आज उदय तिथि जो है वो गणेश चतुर्थी है, लेकिन भद्रा है साथ में जी। और ये जो गणेश चतुर्थी है शाम को 5 बजे तक रहेगी। इसका मतलब कल अगर देखा जाए 6 तारीख में देखा जाए तो अभी गणेश चतुर्थी की शुरुआत पूरे दिन रही है और रात तक रहती है। तो इसका मतलब ये रहा कि भद्राओं के अंदर कोई काम नहीं होता जी। आज उदय तिथि जो है वो गणेश चतुर्थी ही है, चौथ है आज, लेकिन भद्रा है 7:38 तक। तो भद्रा के बाद जो है आज का ही मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा 7 तारीख का। इसलिए इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग संशय पैदा कर देते हैं जी। पंडित जी एक सवाल और इसमें ये था कि कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी पर चांद नहीं देखा जाता है, उसके पीछे क्या कुछ कहानी, क्योंकि यह अमूमन सुनने को मिलता है कि मिथ्या का कलंक लगता है या ऐसी कुछ बातें जो कि सामने आती हैं। इसका मैं बिल्कुल साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे कि अगर मान लो हम कल शाम को चांद देखते, कल शाम को यानी 6 तारीख की रात को चांद देखते तो वो कलंक वाला था, क्योंकि उस समय भद्रा लगी हुई थी और भद्रा के अंदर चंद्रमा विष फेंकता है, यानी अमृत के बजाय विष फेंकना शुरू कर देता है, यानी वो विष्टीकरण पे आ जाता है। इसलिए अगर उसको देखते हैं तो कलंक लगता है, उसको देखने के बाद बीमारियां आनी शुरू होती हैं, उसको देखने के बाद घर में कलेश पैदा हो जाते हैं, उसको देखने के बाद हाइपरटेंशन होती है, उसको देखने के बाद मेंटल डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। इसलिए देखना वर्जित होता है, क्योंकि चंद्रमा भद्राओं के ऊपर से मूवमेंट कर रहा होता है, बुरे एरिए से 12 घंटे के लिए मूवमेंट करता है। वो बुरा एरिया अभी अभी समाप्त हुआ 7:38 पर। तो आज तो चंद्रमा अब आप देख सकते हैं और रात को चतुर्थी शाम को 5 बजे समाप्त हो जाएगी, उसके बाद देख सकते हैं। तो इसलिए ये साइंटिफिक कारण है इसका कि चंद्रमा का जब मूवमेंट बुरी जगह से बुरी तिथि से चलता है, भद्राओं से चलता है, तो उस समय बजाय पॉजिटिविटी के नेगेटिविटी चंद्रमा फेंकता है, जो हम ग्रहण करते हैं उसके कारण तकलीफ आती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।